राष्ट्र की आंखें नम हैं, अपनी मेहनत और अपनी लगन से दिन रात अपने क्षेत्र का भविष्य सोचने वाला आज सदा के लिए सो गया है। समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस तरह याद करें। एक लगनशील कार्यकर्ता, एक सहज सरल स्वच्छ छवि वाला मिलनसार व्यक्ति, एक कुशल राजनीतिज्ञ या जननायक, सजग विधायक, ईमानदार मंत्री हेमचंद यादव। संगठन क्षमता, कार्यकर्ताओं से जमीनी जुड़ाव, इसमें उनकी कोई साई नहीं। शोकाकुल उनके राजनीतिक सहपाठी, वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पांडेय जी के शब्दों में कहें तो वह राजनीतिक व सामाजिक जीवन का ऐसा रत्न था जिसे खोने के बाद उसके मूल्य का एहसास सभी को रहे। जब कभी मैं चौराहे पर खड़ा होता तो वह सही रास्ता चुनने व चलने का साहस तथा भरोसा दिलाता। विपरीत परिस्थितियों की लाठी व अनुकूलता का आनंद, ऐसा था मेरा हेमचंद। अध्यक्षीय कार्यकाल में रोजगार और स्वरोजगार की मांग बुलंद की। 1986 में भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष बने और बाद में फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां एक बात विशेष उल्लेखनीय है, अविभाजित मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पहले भोपाल व दिल्ली के लोग कहा करते थे। यदि मध्य प्रदेश के 320 विधानसभा क्षेत्र में से 319 सीट पार्टी जीत जाती है हारने वाली 320वीं सीट दुर्ग विधानसभा सीट हो। श्री हेमचंद यादव जी के मार्गदर्शन में आना मुख्यमंत्री आया देखे मेरे भी तो। कौन कहता है आसमान पे छेद नहीं होता? अंदर अंदर। अरे तुम से पत्थर तो उछालो यारो, आसमान पे छेद होता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, 1992 में दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया और इसी तरह से 1993 के विधानसभा चुनावों में उन्हें दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। बहुत कम मतों के अंतर से पराजित हुए पर इस पराजय ने उनका साहस बढ़ाया और आगे चलकर 1998 में वे पहली बार विधायक बने, फिर 2003 व 2008 में विधायक बनने की पारी जारी। लगातार 3 बार विधायक तथा कैबिनेट मंत्री रहते हुए उनके कार्यों का उल्लेख करना मानो सूरज को दीपक दिखाना होगा। देखना है जोर कितनी बाजुए में फिर भी।
तीन चहके स्वप्न। पहला, दुर्ग भिलाई के बीच वाई आकार का ओवर ब्रिज निर्माण। दूसरा, मुख्य जिला चिकित्सालय में 200 बिस्तरों का नवीन चिकित्सालय भवन के लिए 3 करोड़ की लागत। तथा तीसरा, दुर्ग शहर को पेयजल की समस्या से मुक्ति। अपने ये तीन स्वप्न उन्होंने सफलतापूर्वक पूर्ण किए। जन कवि मरहा जी कहा करते थे कि अब दुर्ग के गली मोहल्ला चिन्हावी नहीं, सब गोती सड़क नाली मकान बन गए, चौक चौराहा बदल गए, पार्टी बदल गए, नेता बदल गए, सबके सुरताल बदल गए। वे विकास के संग संग हेमचंद यादव जी की तारीफ किया करते, अपने सहज भाव में वह कहा करते थे, ओहर हमर गांव शहर घर के बेटा ताएगा, दुर्ग के दुलरवा बेटा हेमचंद यादव।